वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, एक और टेक वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कहने का मतलब ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वीडियोज भी अपलोड करना जरूरी हो जाता अपने चैनल पेज अथवा जो भी आपकी आईडी है उसको ग्रोथ के लिए, तो आप अपने किसी इमेज को AI वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे यूट्यूब को अथवा फेसबुक को चाहे इंस्टाग्राम हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 एक बात ये कि इन वीडियो का इस्तेमाल आप किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। इसके लिए कंप्यूटर की अनिवार्यता इसमें जरूरी नहीं, आप अपने ही इसी मोबाइल फोन से आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पाए, मैंने खुद का वीडियो बना रखा है और यह अगर आप मेरे रेगुलर रूप से व्यूअर है तो आपको पता है मैंने रिलीज भी कर रखा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस मूव टुवर्ड्स द मोबाइल। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर हमें एक वेबसाइट सर्च करनी है viggle.ai, www आप लगा देंगे viggle.ai.com लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस वेबसाइट में आप तीन तरीके से लॉगिन हो सकते हैं। आप अपने गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा ऐप से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने पर आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें इस वेबसाइट के द्वारा बने बनाए टेम्पलेट इस तरह से होते हैं। कहने का मतलब आप जो भी फोटो डालेंगे वो इस तरह से उसका वीडियो आउटपुट आपको मिलेगा। आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिसको आपको बदलना है, उसके बाद आप फोटो लगा देंगे। इस तरह से आपको अच्छे तरह से इसके बने बनाए जो एसेट्स कहते हैं वीडियो एसेट्स को खोल लेना। एसेट्स में जो भी आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई एक वीडियो को चूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल ये वीडियो चूज कर लिया क्योंकि सबके अलग अलग चॉइस होती है, जो आपको ठीक लगे आप वो वीडियो चूज कर लो, जो मैंने मुझे ठीक लगता है मैंने इस तरह से चूज कर लिया। इसके बाद आती है हमारी बारी फोटो डालनी है। फोटो हम फोन की गैलरी से आसानी से डाल सकते हैं। मोबाइल का मैं तो इसका इस्तेमाल करता बहुत ही आसान है, गैलरी में आसानी से रिडायरेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे ऊपर ये बना बनाया टेम्पलेट वीडियो है, नीचे मेरे पास फोटो ये हाल फिलहाल मैंने फेसबुक से डाउनलोड की थी। इन दोनों को मैं इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जनरेट हो जाता है, जनरेट वीडियो कर देंगे तो इस तरह से इसने मुझे बना करके दे दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसमें रैकेट खेल रहा हूँ। आप इस वीडियो का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म के वीडियो के लिए। अब मेरी दूसरी फोटो ये, इसको मैंने वीडियो में इस्तेमाल किया तो मुझे इस प्रकार से फाइनल आउटपुट प्राप्त हुआ है। ये मैंने पहले से बना रखे थे। अगर आप कंप्यूटर में जाते हैं तो कंप्यूटर में viggle.ai viggle लिखना है, AI लिखना है। थोड़ा सा इंटरफेस का अंतर होता है इसमें, आपको जैसे मोबाइल में हॉरिजेंटल होता है वर्टिकल मिल जाता है, और इस बने बनाए टेम्पलेट इसमें भी इस तरह से रन करते हैं तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। डीपली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि इसमें मैंने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ था और इसमें झिंगुर के बोलने की बहुत तीखी आवाज़ आ रही थी, इसलिए इसका ऑडियो क्लिप हटा करके अपनी अलग से आवाज़ डाली थी ताकि साउंड क्वालिटी ठीक रहे उससे। तो यहाँ से मैं इसको जीमेल के द्वारा कर लेता हूँ और यहाँ से हम कर लेते हैं। इसमें करेक्टर की जगह करेक्टर आ जा रहा है, फोटो की जगह फोटो, यहाँ पर हमारा जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो एसेट्स यहाँ पे आता है। यहाँ पर हमें कोई भी वीडियो यहाँ से चूज कर लेना। असल में क्या होता है कंप्यूटर में थोड़ा समझाना आसान होता है और मोबाइल में काम करना आसान होता है, दोनों का अलग अलग है। जब हम कंप्यूटर में जाते हैं तो हमारे हमें माई डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा या माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे इस तरह से मैंने फोटो है मैंने कंप्यूटर से इस तरह से लिया है। इसके इमेज एसेट्स में से भी ले सकते हैं, बने बनाए इसमें होते भी है। तो मतलब ये आप किसी दूसरे की फोटो को आप भी नचा सकते हैं, जो भी आपके मोबाइल में फोन है। अगर किसी दोस्त को आपको सरप्राइज देना है तो उसकी फोटो को भी आप नचा सकते हैं, बस वो आपके पास होनी चाहिए अथवा आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सेलिब्रिटी की फ़ोटो और उसका फ़नी वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगेगा आपका। मैंने थोड़ा ईमेल आईडी वगैरह ब्लर किया है पर्सनल सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से मुझे मेरा आउटपुट इसने इस तरह से दिया है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से वीडियो आ रहा है। दैट्स द एंड दिस एपिसोड दोस्तों, इसी के साथ आज का है एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल पेज अथवा वेबसाइट पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं।